हम और आप अपने आसपास के लोगों को लेकर कितने संवेदनशील हैं, इसका पता इस बात से लग जाता है कि एक वृद्ध लगभग एक हफ्ते से अपने कमरे में मृत पड़ा हुआ था और न तो आस पड़ोस के लोगों को पता लगा और ना ही दिल्ली में रह रहे परिजनों ने अकेले रह रहे बुजुर्ग की कोई खैर खबर ली। जब एक सप्ताह तक वृद्ध से फोन पर बात नहीं हुई तो परिजन वृद्ध के घर पहुंचे तो यहां देखकर दंग रह गए कि 70 वर्षीय सुभाष का शव लगभग कंकाल में बदल चुका था। कमरे में चारों तरफ दुर्गंध ही दुर्गंध थी। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। हुआ यूं कि नई बस्ती निवासी सुभाष चंद्र यहाँ मकान के ऊपर बने कमरे में रह रहा था। नीचे दुकानें बनी हुई हैं, उनके सगे संबंधी दिल्ली में रहते हैं। फोन पर वह बुजुर्ग की कुशलक्षेम पूछते रहते थे। हाल में कई बार फोन करने पर भी सुभाष चंद्र से परिजनों का संपर्क नहीं हो पाया तो परिवार के सदस्य दिल्ली से रेवाड़ी पहुंचे। पुलिस ने प्रथम दृष्टा सब 7 से 8 दिन पुराना शव बताया है। शुरुआती जांच में हत्या जैसी बात सामने नहीं आई। पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा। पंकज जी, ये आपके क्या लगते थे जो 7 दिन से डेड बॉडी पड़ी हुई थी? ये हमारे चाचा जी है, अकेले रहते थे। हाँ जी। आपको कैसे पता लगा? कल हम मिलने आए थे, मतलब किसी काम से आए थे तो हम इनसे मिलने आए थे शाम को, जब पता लगा। क्यों पा रहा था? 5-6 दिन से। जब आपको लगा कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है जब आप मिलने आए थे, तो क्या आप देखा आपने? कैसे आपको पता लगा? कैसे ताला था बाहर? नहीं, अंदर से बंद था। फिर मतलब ताले वाले को बुलाया, हमने खुलवाया जी, तो अंदर वो किस हालत में बॉडी थी? मतलब बिल्कुल, मतलब जैसे बेटे होते देख नहीं सकते तो हम लोग। अच्छा, लोग को आस पड़ोस के लोगों ने भी नहीं देखा? नहीं, इसमें अकेले रहते थे और अभी भाई थे तो 70-75 साल की उम्र है। और जो इनके रिश्तेदार हैं, जो भाई हैं, वो सभी परिवार से दिल्ली रहते हैं। तो इसके ब्रदर ने जो बयान दिया है, भाई ये कई दिन से फोन पे बात नहीं हुई, फिर फोन बंद आने लग गया तो कोई अनहोनी का आशंका देकर वो कल आए, उन्होंने सूचना दी तो लॉक वगैरह खुलवाया, नीचे से अंदर से बंद था। अंदर जाकर देखा तो कमरे में बेड से नीचे उनकी डेड बॉडी पड़ी थी। सुभाष चंद्र नाम था और करीब ऐसा लगता है भी 8-10 दिन पुरानी डेड बॉडी है, काफ़ी गली सड़ी अवस्था में हो गई थी। पुलिस को सूचित किया, उसके बाद हमने जाके डेड बॉडी को खोया, बयान जून लिए, कार्रवाई करके डेड बॉडी मोर्चरी में रखा। जांच कुछ सामने आया है इसको? नहीं, ये ऐसा लगता है अभी या तो जैसे बेड से नीचे गिर गए हों, अकेले थे संभल नहीं पाए, तड़पे तुड़पे नीचे, या फिर हार्ट अटैक से हो सकता है, तो उसे तकलीफ हो जो नीचे गिर गए बेड से। सिंगल बेड था तो यही अब तक सामने आया है, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्लियर हो गया। देश विदेश के राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।